हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैंने आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिलीशियस फूड रेसिपी के किचन में। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी और आज की मेरी रेसिपी का नाम है आलू मटर मशरूम करी। तो आलू मटर मशरूम बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए पहले हम वो देख लेते हैं। आलू मटर मशरूम करी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है मशरूम। यहाँ मैंने 200 ग्राम मशरूम लिया है और इसे मैंने गर्म पानी से धो करके अच्छे से और इस तरह से दो भाग में कट करके ले लिया है। एक प्याज चाहिए मीडियम साइज का, इस तरह से बारीक कटा हुआ। एक मीडियम साइज का आलू, इस तरह से बारीक कटा हुआ। आलू को भी यहाँ पे मैंने अच्छे से धोकर ले लिया है और कट करके। यहाँ पे हमें चाहिए 3 से 4 चम्मच तेल, 2 बड़े चम्मच चाहिए हमें मटर, नमक हम स्वाद के अनुसार लेंगे, आधा चम्मच चाहिए हमें हल्दी, गार्निशिंग के लिए चाहिए हमें धनिया पत्ता, कस्तूरी मेथी चाहिए हमें आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, छौंक में यानी कि तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए आधा छोटा चम्मच जीरा साबुत, 1/4 चम्मच मेथी के दाने और 1 हरी मिर्च। करी बनाने के लिए जो मसाले हमें चाहिए, मसाले बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है टमाटर। एक यहाँ पे मीडियम साइज का टमाटर को मैंने इस तरह से रफली कट करके ले लिया है। 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 1/4 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया दाना, धनिया साबुत धनिया, 4 हरी मिर्च, इसकी क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं। 5 यहाँ पे मैंने लहसुन की कलियां ली हुई हैं, आधा चम्मच यहाँ पे मैंने काली मिर्च लिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी आलू मटर मशरूम करी की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आलू मटर मशरूम करी बनाने के लिए सबसे पहले हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को पीस करके इसका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो आइए इसका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने मसाले को पीस करके ले लिया है, हमारा पेस्ट तैयार है। आइए इस रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई को पहले से गर्म करके रखा हुआ है, अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे। 1 बड़ा चम्मच के लगभग तेल को गर्म हो जाने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे हम सबसे पहले आलू मटर और मशरूम को फ्राई करके निकाल लेंगे। मटर और मशरूम को हम थोड़ी देर के बाद ऐड करेंगे। सबसे पहले हम आलू को फ्राई कर लेते हैं, फ्लेम को हाई पे कर देंगे और इसे ढक करके हम पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड कर देंगे जिससे हमारा आलू जल्दी पक जाए और हम इसे ढक करके पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। आलू हमारा हाफ फ्राई हो चुका है और हम इसमें मटर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने फ्रोजन मटर यूज किया है। और फ्लेम को हम मीडियम पे कर देंगे और साथ में ऐड करेंगे इसमें मशरूम। सबको अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। ढक करके पकाने की वजह से मशरूम में पानी छोड़ दिया, आप देख सकते हैं, और मशरूम का आकार भी छोटा हो गया है। और हम इसे बिना ढके हुए पकाएंगे और फ्लेम को यहाँ पर तेज कर देंगे और हम इसका ध्यान रखेंगे, चलाते रहेंगे। आप कच्चे आलू की जगह पर उबले हुए आलू भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने कच्चे आलू का यूज किया है इसलिए मुझे यहाँ पर इसे फ्राई करना पड़ा। फ्लेम को लो कर देंगे या फिर गैस को बंद कर देंगे और हमारा सब्जी फ्राई हो चुका है। सब्जियों को निकाल लेंगे एक प्लेट में। वापस से हम इसी कढ़ाई में सब्जी बनाएंगे, इसके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। तो गैस को ऑन कर देंगे और बचे हुए तेल इसमें ऐड करेंगे। तेल को गर्म हो जाने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है और इसमें ऐड करेंगे मेथी और जीरा, 1 हरी मिर्च। इसे कुछ समय के लिए फ्राई होने देंगे, 2 सेकंड्स के लिए।
हमारा जीरा और मेथी अच्छे से फ्राई हो चुका है, फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और प्याज ऐड करेंगे। और प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ट्रांसपेरेंट यानी कि लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, अब हम इसमें जो हमने मसाला तैयार किया था उसे ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार। मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे ढककर से पकाएंगे जब तक कि मसालों से तेल ना निकलने लगे। आप इसमें लाल मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ मैंने लाल मिर्च पाउडर का यूज नहीं किया है, यहाँ मैं इसे हरी मिर्च में ही बना रही हूँ। फ्लेम को यहाँ पे थोड़ा तेज कर देंगे और हम इसे पकने देंगे। हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है। अभी मैंने फ्लेम को हाई पे रखा हुआ है क्योंकि मसाले में पानी ज्यादा है, मसाले का पानी जैसे ही कम होगा हम इसके फ्लेम को भी मीडियम पे ले आएंगे। एक्स्ट्रा वाटर इसमें का सूख गया है तो हम फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और अब हम इसे पका लेंगे और चलाते हुए रहेंगे बीच बीच में। हम इसे बिना ढके हुए पकाएंगे। मसाले हमारे लगातार चलाते हुए मैंने मसालों को यहाँ पका लिया है, मसाले हमारे पक चुके हैं, मसालों ने तेल छोड़ दिया है, देख सकते हैं किनारे से। और उसमें फ्राई की हुई सब्जियों को ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसे भी हम 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पे पका लेंगे ताकि सारी सब्जियों में मसाले अच्छे से चले जाएं। बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। सब्जियों को पकाते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। और सब्जियां हमारी अच्छे से पक चुकी हैं, आप देख सकते हैं सारी सब्जियां हमारे अच्छे से पक चुकी हैं, सारे आलू भी अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आप फ्राई भी निकाल करके इस तरह से खा सकते हैं आलू मटर मशरूम की सब्जी को। और ये भी पानी ऐड करेंगे, पानी हम अपने अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। यहाँ मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड किया हुआ है, इस गिलास से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और नमक यहाँ पे आप स्वाद नमक आप यहाँ पे टेस्ट कर लें, अगर कम हो नमक तो आप यहाँ पे ऐड कर दें। फ्लेम को यहाँ पे हम हाई पे कर देंगे और इसमें उबाल आने तक अब हम इसे पका लेंगे। सब्जी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है, अब इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी। इस तरह से रब कर लेंगे पहले, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे और बिना ढके हुए हम पकाएंगे। ये हमारी गर्मा गर्म आलू मटर मशरूम करी बनकर के तैयार है। हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे और अब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा गर्मा गर्म आलू मटर मशरूम करी बन करके तैयार है। आइए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। देखिए दोस्तों, हमारा गर्मा गर्म आलू मटर मशरूम करी बन करके तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है और स्पाइसी सब्जी है। आप इसे गर्म गर्म सर्व करें और आप इसे रोटी पराठा नान के साथ सर्व करें और स्टीम राइस के साथ सर्व करें, ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस रेसिपी को आप घर पर जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे चैनल के साथ शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आइडिया, सजेशन या फिर कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। सो फ्रेंड्स, आप बेसिकली इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें, यह बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। और आपकी रेसिपी कैसी बनी हमें जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय दिस रेसिपी, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।